अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो यह है हमारा एक और ब्लॉग जिसमें कि मेरी फैमिली गई हुई थी अयूबिया। अयूबिया में है मेरी कज़न का फार्म हाउस, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो इन सब ने डिसाइड किया कि ये लोग जाएंगे, एक पूरा दिन स्पेंड करेंगे फार्म हाउस पे। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड वापस जा चुके थे इंग्लैंड और मैं वहीं पाकिस्तान थी, लेकिन घर पर थी क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैं अपनी तबीयत की वजह से कहीं नहीं जा पाती थी। तो मेरे घर वाले और मेरे रिलेटिव्स, मामू की फैमिलीज जो हैं, वो लोग ये सब गए थे यहाँ पे फार्म हाउस। मेरी बच्चियाँ भी इनके साथ थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा वेदर है, कितना खूबसूरत सीनरी है सामने, कितनी खूबसूरत सीनरी है, पहाड़ और दरख्त। और ऐसी जगहों पर जाएँ तो आपका मूड भी बहुत अच्छा हो जाता है और बहुत ही बंदे को मज़ा आता है। तो ये लोग घर से एक एक डिश बना कर लेके गए हुए थे, जिसमें पलाव था, चिकन कढ़ाही, चाट, सैलड, बॉटल्स, नान वगैरह थे, ये लेकर गए थे वहाँ पर। दिन का खाना इनने वहाँ पर ही खाया था। और देख सकते हैं कि मौसम भी कितना अच्छा है, बादल आए हुए थे और ठंड थी वहाँ पर, क्योंकि ऐसे एरिया में जहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा हो, माउंटेंस हो, तो वहाँ पर जो है ना वो बहुत ज़्यादा मौसम अच्छा होता है, ठंड होती है। तो ये खाना खाने के बाद जो आराम हो रहा था, ये लोग यहाँ पे रेस्ट कर रहे थे, गप्पे लगा रहे थे। कुछ लोग जो है वो ऊपर जो है ना छत एक्सप्लोर कर रहे थे, छत से जाके नज़ारे देख रहे थे ये लोग। ये देखें बादल कितने प्यारे लग रहे हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। आसमान भी बिल्कुल ऐसे लगता है धुला धुला सा सब। यहाँ पर ये पकौड़े बनने की तैयारी हो रही थी, क्योंकि ऐसी जगहों पर जाके आपको ऐसी चीज़ें खाना बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे पकौड़े हो गए, अंडे हो गए, चाय पीना। तो ये लोग जो है ना वहाँ पर बैठे ये आलू काट रहे थे और साथ ही साथ चीज़ें भी समेट रहे थे। तो यहाँ पर इन लोगों ने शाम तक ये लोग यहाँ पर ही रहे थे, खाना वगैरह खा कर रेस्ट किया था इन लोगों ने, उसके बाद चाय वगैरह बनाई थी। ये जैसे कि आप देख सकते हैं चाय बन रही है, यहाँ पे पकौड़े फ्राई हो रहे हैं, ये सब बना के पकौड़े चाय इन लोगों ने टेरेस पे बैठ के सारों ने खाए थे। चटनी भी बनाई थी और साथ इन लोगों ने गाना गाने के कॉम्पिटिशन किए थे। इस तरह करके इन्होंने यहाँ पर पूरा दिन गुजारा था। ये मेरी बेटी जो है ना, ये साथ मेरी कज़न वीडियो बना रही थी और ये साथ साथ कमेंट्री कर रही थी। ये छोटी भी यहाँ पर ये घूम रही है। शाम हो रही थी, आप देख सकते हैं सूरज बादलों के पीछे। यहाँ पर ये सारे बॉयज़ काम कर रहे थे मेरे कज़न्स, और यहाँ पर मेरा कज़न, मेरी कज़न्स फीमेल कज़न्स को शर्म दिला रहा था कि शर्म करो, तुम लोगों के होते हुए हम बर्तन धो रहे। ये यहाँ पर ये लोग गाने गा रहे थे, साथ पकौड़े खा रहे थे, चाय और चटनी। ये करके उन्हें शाम तक यहाँ पर टाइम गुजारा। फिर यहाँ से ये लोग वापसी पर गए थे अयूब पार्क, वहाँ पे ये लोग राइड्स वगैरह पे बैठे थे। रात का खाना इन लोगों ने खाया था, हल्की फुल्की रिफ्रेशमेंट की थी क्योंकि ऑलरेडी पेट इनके फुल थे। तो ये लोग राइड्स पर बैठे थे। और इसके बाद इसके साथ ही मैंने जो क्लिप्स आगे ऐड किए हैं वो हैं, हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ आगे करके पंजार है, जहाँ पर उन्हें पहाड़ों के ऊपर करके ना रेस्ट हाउस बनाया हुआ है। तो फिर ये लोग यहाँ पर रेस्ट हाउस गए हुए थे सारी फैमिली दोबारा घर से खाना, बल्कि जो मेरी मोमानी लगती हैं उन्होंने सारा खाना वगैरह बना था वो लेकर गई थी। वहाँ पर लोगों ने खाना खाया था, क्रिकेट मैच खेला था, ये एक दूसरे की पकड़ रहे थे, काफ़ी उन्होंने वहाँ पर इन्जॉय किया था खाना खाने के बाद। पूरा दिन स्पेंड करके शाम तक ये लोग वहीं पर रहे थे। तो उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, वॉइस ओवर में भी थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नए व्लॉग के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।